हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आई का डिश वॉशर जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रही हूँ मेरे पास 2021 से है और मैं इसे दो साल से यूज़ कर रही हूँ मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और जैसे लोगों को लगता है कि ये बहुत सरफ और पानी इसमें लगता है और बर्तन भी साफ़ नहीं होते तो मैं आज आपका ये जो भ्रम है ये तोड़ने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आपको इस वीडियो से मालूम पड़ेगा इसमें एक तो ये पाइप निकलता है जिससे सारी हमारे बर्तनों की झूठन सारी नाली में जाती है तो एक नाली हमें चाहिए सेपरेट जिसमें हम फिटिंग करा सकें और दूसरा एक नल चाहिए जिससे हम बिल्कुल फिक्स करा सकें इस मशीन को अब ये मशीन में खोल कर दिखाती हूँ आपको देखिए अब इसमें दो ट्रे दी गई है एक नीचे और एक ऊपर तो सबको बर्तन सब में बर्तन फिट करने का एक अलग ही तरीका है इसमें तो इसमें आप अल्मोनियम के बर्तन ना डालिए पीतल के बर्तन और जो भी प्लास्टिक के कमज़ोर बर्तन हैं वो बिल्कुल ना डालिए बाकी आप स्टील इस इसमें डाल सकते हैं आप सबसे अच्छा है कि आप कांच के बर्तन यूज़ करते हैं अगर तो वो डाल सकते हैं ये ट्रे जो अभी दिखाई थी अभी पहले ये देखते हैं कि ये देखो ये स्टैंड खुल जाते हैं इसमें यदि आपको प्लेन बर्तन लगाने हैं तो कटोरियाँ वगैरह वो भी लगा सकते हैं या प्लेट अगर आपके पास ज़्यादा हैं छोटी बड़ी जैसी प्लेटें हैं तो उनको प्लेट अगर ज़्यादा हैं तो आप ऐसे खोल भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिस जिस तरह से आपके बर्तन हैं उस हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं ये ट्रे जो कोने में दिखाई गई है इसमें हम नीचे भी कटोरियाँ लगा सकते हैं और ऊपर भी कटोरियाँ लगा सकते हैं अभी जब मैं लगाऊंगी तब आप मैं आपको दिखाती हूँ इसको अब बंद कर दिया है क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए इसमें मैं कप और गिलास वगैरह ही रखती हूँ ये देखिए ये जो ये ट्रे है ना ये दिखा रही हूँ मैं कि इसके नीचे भी कटोरियाँ रख सकते हैं और ऊपर जो सर्विंग स्पून है या छन्नियाँ हैं चाय की वो रख सकते हैं अब मैं नीचे वाली बर्थ दिखाती हूं ये बास्केट दे रखी है इसमें हम सर्विस स्पून और या फिर जो छोटे स्पून हमारे होते हैं तो वो हम जितने मर्जी रख सकते हैं बहुत ज्यादा इसमें स्पेस है बड़े छोटे कैसे भी चम्मच आप इसमें रख सकते हैं अब ये भी प्लेटों का दे रखा है जगह और इधर भी छोटी बड़ी कैसी भी प्लेटें आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पर भी प्लेट का है क्योंकि मान लो किसी के पास प्लेट ज़्यादा हैं तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्लेट्स ही हमारी यूज़ होती है तो इसलिए ये जो प्लेट का है इसलिए ज़्यादा दे रखा है कि कई जगह होता है कि प्लेट ज़्यादा हो जाती है तो इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर प्लेट यूज़ नहीं करनी तो इनको बिल्कुल प्लेन करके ना तो आप बड़े बड़े बर्तन अपने रसोई के जो फ्राई पैन है या कुकर है उनको भी वॉश करके इसमें लगा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं नीचे वाले ट्रे पर थोड़ी हीट ज्यादा पड़ती है तो इसलिए यहाँ पर हमें प्लास्टिक का बर्तन तो बिल्कुल नहीं रखना है और ऊपर ही रखने हैं माइक्रोवेव सेफ होने चाहिए तो अभी हम ऐसे ही रख देंगे क्योंकि मुझे थोड़े बड़े बर्तन ही इधर रखने हैं अब यहाँ पर जो अंदर है यहाँ पर भी फैन लगा हुआ है इससे भी पानी का स्प्रे आता है बहुत स्पीड से आता है जिससे कि बर्तनों का अच्छे से झूठन निकल जाता है यहाँ पर हम एक साल्ट डालते हैं जो कि बर्तनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है अभी मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं ये देखिए तीन चीज़ें हैं एक तो है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है यानी साल्ट के लिए अब ये देखिए शाइनर है ये स्पार्कलिंग करता है चाहे कैसे भी बर्तन हो और रेट भी बिल्कुल रीजनेबल है इसका तीन सौ रेट दिखा रहा है एक किलो का है और ये जो है साल्ट जो डलता है वो है डेढ़ सौ रुपये का एक किलो तो ये भी सोचना बिल्कुल गलत है कि इसका मटेरियल बहुत महंगा आता है इसका सरफ़ बिल्कुल रीजनेबल है ये हमें डिब्बिया दी गई है इसमें ये सरफ डाल सकते हैं जो हम वॉश करने के लिए सरफ डालते हैं यहाँ डलेगा और बाकी अगर हमें शाइनर डालना है हमारा इंडिकेट कर देती है मशीन कि शाइनर तुम्हारा कम है तो हम शाइनर इधर से डाल सकते हैं ये हमने बर्तन सेट कर दी है मैं आपको दिखाती हूँ ये सब मेरे बर्तन हैं और मेरे पास ज़्यादातर स्टील के बर्तन हैं ये माइक्रोवेव सेफ मैंने प्लास्टिक के बर्तन डाले हैं और नीचे भी मैंने कटोरियाँ लगा दी हैं छोटी बड़ी कैसी कटोरियाँ आप लगा सकते हैं और इधर इधर भी मैंने सेट कर दिए हैं सर्विस स्पून है कड़छी है जो भी है आप ऊपर सेट कर सकते हैं जितना भर सकते हैं आप भर सकते हैं स्पेस पूरा आपको मिलता है कप है कांच के बर्तन बहुत ही अच्छे रहते हैं ये हमारी ऊपर वाली बर्थ पूरी भर चुकी है अब नीचे वाले में देखते हैं हमने एक चाय का फ्राई पैन रखा है दो तीन बड़े कटोरे रखे हैं फिर बड़ी प्लेटे हैं छोटी प्लेटे हैं और चम्मच है अब हम इसमें सर्फ डाल देंगे मैं आपको लगा कर भी दिखाती हूँ जिससे आपकी पूरी तसल्ली हो जाए नल खोल देती हूँ और अब इसको स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था फिर मेरे को वीडियो नहीं बना पाई थी लेकिन अब आपको दिखाने के लिए देख देखो यहाँ पर फिफ्टी मिनट का भी प्रोग्राम है और बहुत तरह के प्रोग्राम है लेकिन जो आपको अच्छा लगता है थर्टी मिनट्स का भी है और ऐसा भी होता है कि अगर आपको प्री वॉश करना है जेट वॉश करना है तो वो भी इसमें सब सिस्टम है कि मान लो पानी में ही निकालने हैं बर्तन तो पंद्रह मिनट में ही आपके सब बर्तन पानी में निकल जाएंगे ये स्मार्ट वॉश है जो कि सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री पर होता है और ढाई घंटे का प्रोग्राम है तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है मैं ज़्यादातर इसे लगाती हूँ ड्यूल प्रो वॉश पे क्योंकि इसमें क्या होता है प्री वॉश भी हो जाता है और ये डेढ़ घंटे का प्रोग्राम है पौने दो घंटे का है सॉरी तो ये मैं यही प्रोग्राम यूज़ करती हूँ ज़्यादा करके क्योंकि इसमें अच्छे से बर्तन धुल जाते हैं मेरे बर्तन धुल कर रेडी हो गए हैं मैंने इस आ, मशीन को पूरा बंद नहीं, नहीं किया है स्विच ऑफ़ नहीं किया है वहाँ से दीवार से तो इसलिए इसमें लाइट जल रही है अगर आप दीवार से ऑफ़ कर देते हैं प्लग ऑफ कर देते हैं तो इसमें लाइट नहीं जलेगी ये देखिए सर्फ भी पूरा लग चुका है और बर्तन बिल्कुल चमचमाते हुए निकलेंगे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी हाथ लगाया नहीं है अभी देखिए बिल्कुल कप भी बिल्कुल ड्राई होकर निकलता है रेडी टू यूज़ के लिए बिल्कुल और प्लास्टिक के बर्तन स्टील के बर्तन बिल्कुल चमचमाते हुए और बिल्कुल सूखे हुए निकलते हैं गरम गरम निकलते हैं थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है तो आप इसको पानी से वॉश कर लीजिए वैसे इसमें कोई भी शिकायत नहीं मिलती है मेरे को यूज़ करके बहुत तसल्ली है और मैं चाहती हूँ और ये बहुत हाइजीन भी है बेसिकली क्योंकि आप जैसे मेड से भी कराते हैं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है लेकिन ये इतना सिक्सटी डिग्री पर सिक्सटी डिग्री पर सोचिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बर्तनों में तो आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली देखिए कितना ड्राई है बिल्कुल रेडी टू यूज़ और इसको आप स्टैंड में भी बर्तनों को स्टैंड में लगाने की जगह आप इसमें रख भी सकते हैं इसमें से लीजिए और यूज़ कीजिए बस तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए